हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं। जी हाँ, आप सुनकर हो गए ना हैरान, क्योंकि सबको अपनी पॉकेट के बारे में तो पता होता है, लेकिन दूसरे की पॉकेट के बारे में बताना कि उनके पास कितने रुपए, ये इम्पॉसिबल है। इसे इम्पॉसिबल चीज को मैं पॉसिबल करने आ गई हूँ। आज आपको कुछ ऐसे ही इजी स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि दूसरे के पास कितने पैसे हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके, जिसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी कैलकुलेटर की। आप कैलकुलेटर जरूर अपने पास रखेगा। जब भी मैं आपको बोलूं कि कोई भी कैलकुलेशन करनी है, प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद जो इक्वल का बटन होता है कैलकुलेटर में, या आप फोन वाला यूज कर रहे हैं तो उसको जरूर प्रेस करें, ताकि आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आता रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कितना अमाउंट है। इसके लिए आप अपने पर्स में या अपने पास कितने भी रुपए ले सकते हैं, 500 ले सकते हैं, 2000 ले सकते हैं, कितने जितना आप चाहें उतना आप रुपए अपने पास ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसके लिए लेती हूँ अपने पास 500 रुपीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करना है बहुत सारा लाइक, बहुत सारा शेयर। अभी नहीं बोल रही हूँ, लाइक और शेयर तब करेगा जब आपको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं, मैंने आपको एग्जैक्टली वो ही बताया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, स्टेप वन है कि आपको अपने लिए कोई भी आप अमाउंट ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए अपने पास 500 रुपीस लिए, तो आपके पास जितना भी आपके पास अमाउंट है तो आप उतने रुपीस ले सकते हैं, 500, 2000 या 200 भी ले सकते हैं, जितने आपके पास अभी अवेलेबल हो। फ्रेंड्स, अब बारी आती है सेकेंड स्टेप की। जो भी आपके पास अमाउंट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे पास है 500 रुपीस, तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अमाउंट आया 1000 रुपीस। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें करना है जो भी हमारे पास अमाउंट आया, यानी 1000 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास अमाउंट था आपने उसको मल्टीप्लाई करा, और जो आपके पास अमाउंट आया टोटल आया उसमें हमें 4 एड ऑन कर देने हैं। तो मेरे पास अमाउंट कितना आया, 1004 रुपीस, तो ये हमारा टोटल हो गया। फ्रेंड्स, बारी आती है नंबर 4 स्टेप की। अब आपको 4 स्टेप में क्या करना है, जो भी आपका पहले अमाउंट आया था, से 1004 आया था, तो उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। आपके पास जो भी अमाउंट आया हो तो आप भी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अमाउंट आ गया 5020। फ्रेंड्स, हम आते हैं स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, जो भी हमारा अमाउंट आया था उसमें हमें 12 प्लस कर देना है, यानी ऐड कर देना है। तो हमारा लास्ट अमाउंट आया था वो आया था 5020, तो हमने इसमें 12 ऐड कर दिए, तो अमाउंट हो गया 5032। अब ऐसे ही जो आपके पास अमाउंट आया है उसमें आप 12 ऐड कर दीजिए, और अपना टोटल का बटन जो आपको बताया था वो प्रेस करना नहीं भूलना, वो प्रेस करिए, तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा, एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब आते हैं स्टेप नंबर 6 पर। आपको स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, जो भी आपका लास्ट अमाउंट आया था उससे आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मेरा अमाउंट आया था 5032, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 50,320। तो ऐसे आप अपना आंसर भी चेक करिए। फ्रेंड्स, अब आते हैं स्टेप नंबर 7 पर। स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, जो भी हमारा लास्ट आंसर आया था उसमें से हमें 320 माइनस करने, तो मेरा लास्ट आंसर आया था मेरे एग्जांपल के उसमें 50,320, तो आपको उसमें से लेस कर देना है 320, तो अमाउंट कितना रह गया टोटल, 50,000। तो ऐसे आप भी अपनी कैलकुलेशन में 320 माइनस कर दीजिए। फ्रेंड्स, अब बारी आती है लास्ट स्टेप की, इसको बहुत ध्यान से सुनेगा। जो भी आपका अमाउंट आया था लास्ट में, यानी स्टेप 7 में मेरा आया था 50,000, तो उसमें से आपको लास्ट के 2 नंबर निकाल देने हैं। तो मैंने 50,000 में से अगर 2 नंबर्स निकाल दी तो मेरा अमाउंट कितना बच गया, 500। तो ऐसे ही जो भी आपका अमाउंट आया है स्टेप नंबर 7 तक टोटल करने के बाद, उसमें से आपको लास्ट के 2 नंबर हटा देने। हटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा, तो आपको पता लग गया ना, मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट बताया ना कि आपके पॉकेट में कितना अमाउंट था। तो अगर आपको ये अमाउंट और ये जवाब आपके पास बिल्कुल सही आया, तो देरी मत कीजिए, अब तो लाइक एंड शेयर बनता ही है ना, तो बहुत सारा लाइक करें, बहुत सारा शेयर करें, ये वाली ट्रिक सबके साथ शेयर करें, और एंजॉय करें। जब अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो तो आप शेयर कर सकते हैं कि देखिए मैं भी आपको बता सकता हूँ कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं। तो प्लीज ये जरूर शेयर करेगा, बहुत सारा लाइक करना। ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आती हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, उसका कमेंट भी करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।